नमस्कार दोस्तों, पायल आईएएस में आपका स्वागत है। भूगोल की शब्दावली प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है क्रिस्टोन प्रजाति। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। विश्व में स्थापित जैविक प्रणालियों में तेजी से गिरावट का मतलब है जीव संरक्षण को अक्सर सीमा सहित अनुशासन के रूप में निर्दिष्ट किया जाना। जीव विज्ञान में विविधता, प्रवास, जनसांख्यिकी, प्रभावी जनसंख्या आकार, अतः प्रजनन अवसाद और दुर्लभ या लुप्त प्राय प्रजातियों की न्यूनतम आबादी व्यवहार्यता के शोध की पारिस्थिति के साथ बारीकी से बंधा हुआ है। क्रिस्टोन प्रजाति ऐसी प्रजाति को कहते हैं जो सामुदायिक संरचना का प्रमुख प्रभाव डालता है। दूसरे शब्दों में ऐसी प्रजातियां जो पारिस्थितिक तंत्र का केंद्रीय समर्थन केंद्र बनाती है क्रिस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। क्रिस्टोन प्रजाति की अवधारणा की उत्पत्ति कहां से होती है? क्रिस्टोन प्रजाति की अवधारणा 1969 में जीव विज्ञानी रॉबर्ट टी पेन द्वारा पेश की गई थी। वह स्टारफिश और मसल्स सहित इंटरटाइडल जोन, जो उच्च और निम्न ज्वार वाली लाइनों के बीच होता है, के समुद्री अकशेरुकी के बीच संबंधों पर अपनी टिप्पणियां और प्रयोगों की व्याख्या करने के लिए अवधारणा को विकसित किया था। 2003 में अवधारणा को आर डी डेबिक द्वारा परिचालन रूप से परिभाषित किया गया था। आइए देखते हैं क्रिस्टोन प्रजाति किसे कहते हैं। क्रिस्टोन प्रजातियां ऐसी प्रजातियां होती हैं जो समुदाय संरचना और समारोह प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। समुदाय संरचना में गंभीर परिवर्तन करने में सहायक होती हैं तथा इन प्रजातियों के विलुप्त होने और नाटकीय परिवर्तन को बहुतायत को जन्म दे सकती है। ये पारिस्थितिक तंत्र का केंद्रीय समर्थन केंद्र बनती है। ऐसी प्रजातियों के नुकसान के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र का कार्य ढह जाता है, साथ ही साथ सहवर्ती प्रजातियों को भी हानि होती है। क्रिस्टोन प्रजातियों के महत्व को समुद्री उद्विलाव, जलशाही और समुद्री शैवालों के साथ स्टेलार समुद्री गाय की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से विलुप्ति द्वारा दर्शाया गया है। समुद्री शैवाल की क्यारियां बढ़ती और उथले पानी में नर्सरी बनती है, जो आहार श्रृंखला को समर्थन करने वाले जीवों को आश्रय देती है। जलशाही समुद्री शैवाल को खाती है, जबकि समुद्री उद्विलाव जलशाही को खाते हैं। लेकिन इनके अधिक शिकार के कारण समुद्री उद्विलाव के तेजी से गिरावट के साथ जलशाही समुद्री शैवाल की क्यारिया को अप्रबंधित रूप से चढ़ती रही और इस तरह पारिस्थितिक तंत्र ढह गया। ध्यान न दिए जाने की वजह से जलशाहियों ने उथले पानी के समुद्री शैवाल समुदाय को नष्ट कर दिया, जो स्टेलार समुद्री गाय के आहार को समर्थित करते थे, और उनकी मृत्यु को गति दी। समुद्री उद्विलाव एक क्रिस्टोन प्रजाति है, क्योंकि समुद्री शैवाल की क्यारियों से जुड़ी कई पारिस्थितिक सहयोगी अपने जीवन के लिए समुद्री उद्विलाव पर निर्भर रहते हैं। तो यह थे समुद्री उद्विलाव और क्रिस्टोन प्रजाति किन्हें कहते हैं। उम्मीद है यह लेख आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम साइबर स्पेस इंटरनेट किसे कहते हैं को देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।